आज आपके घर पे पुलिस क्यों लगी है? सर, आज 18 अक्टूबर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि पूरे भारत में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा, रेल रोका जाएगा। मैं जय किसान आंदोलन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग रेलवे को रोकने के लिए आजमगढ़ जा रहे थे, जाने वाले थे आज, क्योंकि हमारा कार्यक्रम जो था संजयपुर जो रेलवे फाटक है वहाँ पर रेल रोकने का हमारा कॉल थी, हम लोग कॉल किए थे, लेकिन आज स्थानीय सरायवीर में मेला होने के कारण हम लोग आजमगढ़ में रेलवे रोकने का कॉल बनाए थे। और सुबह 5:30 बजे ही सरायवीर थाना द्वारा हमारे पुलिस बल भेज करके हमें जो है कि अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद थाना अध्यक्ष द्वारा बोला, ये जो है रेल रोको आंदोलन ये क्यों किया जा रहा है किसानों द्वारा? किसानों द्वारा सर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर मंत्री गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे द्वारा सरेआम निर्मम उनकी जो हत्या कर दी गई थी, उस हत्या के विरोध में चूंकि मंत्री के ऊपर भी 120B का मुकदमा दर्ज है और वो जो है 5-6 दिन पहले खुली किसानों को देखने की और उनको धमकी भी दिए थे, जिसके वजह से उनके पर 120B का मुकदमा दर्ज है। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि अगर 120B का मुकदमा दर्ज है और ये भी वांछित है बेटा बाप दोनों, तो उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उनकी गिरफ्तारी किया जाए। लेकिन आज तक ये बेशर्म सरकार ने अभी तक एक वांछित 302 के मुकदमे में 120B में मुकदमे में वांछित बाप को मैंने गृह मंत्री राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को अभी तक गिरफ्तार न किया जाना सरकार की निरंकुशता दर्शाता है। और हमारा जो कृषि कानून के खिलाफ वहाँ धरना चल रहा है, 700 किसान शहीद हो चुके हैं, तो हम 300 अपनी कृषि बिल जो सरकार द्वारा लागू की गई उसको रद्द करा दें और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज रेल रोको आंदोलन का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया था। आज हम लोग वहाँ जा रहे थे लेकिन सरकार द्वारा अपने पुलिस के बल पे हमारे नेताओं को जा करके गिरफ्तार करके पुलिस के बल पे हमारे आंदोलन को दबाना चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से आश्वस्त कर दूं, देखिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। अगर पुलिस लोग लगाए हैं पुलिस के बल पे सरकार आंदोलन को दबाना चाहती है तो हमारे आंदोलन को दबा नहीं सकती है। हम अपना जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का काल है उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस के बल पे हमारे कई नेताओं को अरेस्ट किया गया है। हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी नेता क्रांतिकारी साथी रेलवे ट्रैक पर पहुंच भी चुके हैं। हम सभी अपने देश के क्रांतिकारी साथियों से कह रहे हैं कि आप लोग शांति प्रिय ढंग से रेलवे को रोकेंगे, किसी को भी हिंसा को हम नहीं जांच ठहराएंगे। अगर एक पुलिस बल के बदौलत अपने सशस्त्र बल के बदौलत हमें रोकने का प्रयास कर रही है लेकिन हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकती।